दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल में काफी बड़ा बदलाव आ चुका है पाकिस्तान और नामीबिया के मुकाबले के बाद, जहां तीन टीमें कंप्लीटली सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी हैं, तो वहीं दो ऐसी टीमें जो सेमीफाइनल में 100% जगह पक्की कर ली है। तो इन बाकी की दो टीमें कौन सी रहने वाली है और उस टीम को कितने पॉइंट चाहिए और क्या नेट रन रेट चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप टू की। ग्रुप टू के जो छठे स्थान पर पॉइंट टेबल में वो है स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड टोटल दो मुकाबला खेली है और दो मुकाबले में इस टीम को हार मिली है, जहां इस टीम के पास टोटल 0 पॉइंट है। वहीं अगर हम नेट रन रेट की बात करें तो -3.562 इस टीम का नेट रन रेट है। बाकी बच्चों तीन मुकाबले अगर ये जीत भी जाती है तो बहुत ही कम चांसेस है कि ये सेमीफाइनल में जगह बना ले। वहीं पाँचवें पायदान पर टीम इंडिया है, जहाँ ये टीम अब तक दो मुकाबला खेली है और दोनों ही मुकाबले में इस टीम को भी हार मिली है, जहां इस टीम के पास टोटल 0 पॉइंट है। तो वही नेट रन रेट -1.0609 टीम इंडिया का नेट रन रेट है। बाकी बचे तीन मुकाबले जीतने होंगे प्लस एक बेहतरीन नेट रन रेट से जीतना होगा, तभी यह टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। वही अगर हम बात करें चौथे पायदान की, तो चौथे पायदान पर नामीबिया, जहां ये टीम टोटल तीन मुकाबला खेल चुकी है, तीन में से एक में जीती है, तो इन दो में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं इस टीम के पास टोटल 2 पॉइंट है, नेट रन रेट भी काफ़ी ख़राब इस टीम का हो चुका है और ये सेमीफाइनल से कम्प्लीटली बाहर हो चुकी है। अगर हम बात करें तीसरे पायदान की, तो तीसरे पायदान में पॉइंट टेबल में न्यूजीलैंड टीम है, जहां दो मुकाबला अब तक खेल चुकी है, तो वहीं एक में हारी है और एक में इस टीम को जीत मिली है, जहां इस टीम के पास टोटल 2 पॉइंट है। वहीं नेट रन रेट भी +0.765 न्यूजीलैंड का नेट रन रेट है। बाकी बच्चों तीन मुकाबले इस टीम को जीतना होगा, तभी ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। वही दूसरे नंबर पर पॉइंट टेबल में अफगानिस्तान टीम है, जहां ये टीम अब तक तीन मुकाबला खेली और तीन मुकाबले में दो जीती है, वहीं एक में इस टीम को हार मिली है, जहां इस टीम के पास टोटल 4 पॉइंट है। तो वहीं नेट रन रेट +3.097 अफगानिस्तान का नेट रन रेट है। अब इस टीम को बाकी बचे हुए दो मुकाबले में से एक मुकाबला कम से कम और एक बेहतरीन नेट रन रेट से जीतना होगा। वहीं सबसे पहले पायदान पर पाकिस्तान टीम है। पाकिस्तान अब तक चार मुकाबला खेली और चारों ही मुकाबले में इस टीम को जबरदस्त जीत मिली है, जहां इस टीम के पास टोटल 8 पॉइंट हो चुके हैं और ये टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अगर अपना आखिरी मुकाबला अगर ये टीम हार भी जाती है तो भी ये टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। वहीं अब बात कर लेते हैं ग्रुप वन की। ग्रुप वन में कौन सी टीम कौन से पायदान पर है। अगर हम बात करें छठे पायदान की, तो छठे पायदान पर बांग्लादेश टीम है। बांग्लादेश जो 100% सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है, अपने चार मुकाबले में से एक भी मुकाबला अब तक जीत नहीं पाई है, जहां इस टीम के पास टोटल 0 पॉइंट है। तो वही नेट रन रेट -1.435 बांग्लादेश का नेट रन रेट है। अब 100% इस सेमीफाइनल में बाहर हो चुकी है अगर अपना आखिरी मुकाबला जीतती भी है। वही अगर हम बात करें पांचवें पायदान की, तो पांचवें पायदान पर वेस्ट इंडीज टीम है। वेस्ट इंडीज तीन मुकाबला खेली है, एक में जीती है, तो वही दो में हारी है, जहां इस टीम के पास टोटल 2 पॉइंट है। वही नेट रन रेट -1.598 वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट। अगर बाकी बचे दो मुकाबले एक बहुत ही बेहतरीन नेट रन रेट से जीती है तो हो सकता है ये सेमीफाइनल में जगह बना ले। वैसे मात्र 30% ही चांसेस है। वही चौथे पायदान पर श्रीलंका टीम है। श्रीलंका टोटल चार मुकाबला खेल चुकी है और जिनमें तीन में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा। वही एक मुकाबले में ये टीम जीती थी बांग्लादेश से। वही इस टीम के पास टोटल 2 पॉइंट है, नेट रन रेट -0.590 श्रीलंका का नेट रन रेट। अब ये टीम भी ऑफिशियली सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें टॉप थ्री के, तो तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया टीम है, जहां तीन मुकाबला खेली है, तो वहीं दो में इस टीम को जीत मिली है, तो वहीं एक में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं इस टीम के पास टोटल 4 पॉइंट है, नेट रन रेट की बात करें तो -0.627 ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट। अगर बाकी बचे मुकाबले इस टीम को 100% जीत
जीतने होंगे प्लस नेट रन रेट भी अपनी बेहतरीन करना होगा तभी ये टीम सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी। वहीं दूसरे पायदान पर साउथ अफ्रीका टीम है जहां 4 मुकाबले में 3 में अब तक जीत चुकी है। वहीं 1 में इस टीम को भी हार मिली है जहां इस टीम के पास टोटल 6 पॉइंट है। वहीं नेट रन रेट प्लस 0.742 साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट है। अगर आखिरी मुकाबला जीतती है तो 100% सेमीफाइनल में ये टीम जगह बना लेगी और ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली बाहर हो जाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं पहले नंबर की, तो पहले नंबर पर इंग्लैंड टीम है। 4 में से 4 मुकाबला ये भी टीम जीत चुकी है जहां इस टीम के पास टोटल 8 पॉइंट है। ये टीम ऑफिशियली सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है जहां इस टीम का नेट रन रेट प्लस 3.183 है। अगर अपना आखिरी मुकाबला ये टीम हार भी जाती है तो भी ये टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। तो दोस्तों ये रहा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का नया पॉइंट टेबल जो कि 31 मुकाबले के बाद करा। इसमें से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो दो टीमें कंप्लीटली सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लिया उनमें पहली टीम इंग्लैंड है जो कि ग्रुप 1 से है, वहीं ग्रुप 2 से पाकिस्तान टीम है। ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह 100% पक्की कर ली है। वहीं जो ऑफिशियली बाहर हो चुकी है दो टीमें वो ग्रुप 1 से श्रीलंका और बांग्लादेश है। वहीं अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो स्कॉटलैंड और नामीबिया लगभग सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है और बाकी बचे टीमों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। जहां ग्रुप 1 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों टीमों में से कोई एक टीम पहुंचेगी तो वहीं ग्रुप 2 में से 3 टीमें जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है। 3 ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और टीम इंडिया, ये तीनों टीमों में से कोई एक टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी और पाकिस्तान के साथ जगह बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी वो दो टीमें रहने वाली है दोनों ग्रुप सी, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस।